हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एग्जाम इन्फोटेक में। और फ्रेंड्स, ये हैं कल के क्वेश्चन यानी कि 24 अक्टूबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के। फ्रेंड्स, तो मैं ये लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पर उससे पहले फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है, आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट PDF है फ्रेंड्स, बुक के, प्रीवियस ईयर के या प्रैक्टिस सेट, फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से संबंधित, मैं सारे के सारे अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स उसके अंदर। तो मैंने कल भी कुछ 5-6 चीज़ें अपलोड की थी, तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। ज्वाइन करना ना भूलें। आप अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों या जो भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उन सभी को ये बताएं, सभी को फ्रेंड्स फ़ायदा ही होगा उसको ज्वाइन करने से। तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और मेरे चैनल एग्जाम टेक को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं भी इसमें सारे के सारे वीडियो जितने हैं एग्जाम से संबंधित, वो सारे के सारे मैं डालता हूँ। तो आप इसे ज्वाइन ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, बिना देरी के मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे कल सेकंड शिफ्ट में। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कुंभ मेला कहाँ पर सेलिब्रेटेड किया गया। तो ये सेलिब्रेट किया गया था उज्जैन, MP में, मध्य प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन है, पॉइंट पेड्रो इज इन विच कंट्री। तो ये श्रीलंका, इसका आंसर। फिर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बैरोमीटर। तो इसके हैं टेरिसोली, एवेंगेलिस्टा टेरिसोली। फ्रेंड्स, 16 सितंबर के पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था बैरोमीटर के खोजकर्ता। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट ही होने लगे हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें जितने भी मैंने बनाए हैं SSC MTS को लेके, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान अवार्ड इज़ गिवन बाय विच स्टेट। तो ये MP सरकार द्वारा दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर। तो इसकी SI यूनिट होती है वाट, पावर की। ये भी रिपीट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी शायद पहली या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, तो 16 या 17 सितंबर को ही। फिर अगला देखते हैं, काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका आंसर है नेपाल। फिर अगला देखते हैं, हु रोट द बुक पृथ्वीराज रासो। तो इसके लेखक हैं चंदबरदाई। फिर अगला क्वेश्चन है, हेन्स संग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच एम्पायर। तो हर्षवर्धना के काल में आया था हेन्स संग जो है। फिर अगला है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ग्रीन बिटर ऑयल। तो इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट, FeSO4। फिर अगला है, व्हाट इज़ द पैरासूट मेड ऑफ। तो ये नायलॉन का बना होता है जो पैरासूट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ग्रेगर मेंडल हैं को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के। फिर अगला देखते हैं, सलारजंग म्यूजियम इज लोकेटेड एट। तो ये हैदराबाद में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मुझे मिले थे। अब देखते हैं शिफ्ट 3 के। इंडिया टू सप्लाई 80 MW ऑफ पावर टू विच कंट्री फ्रॉम January 1, 2017। तो इसका आंसर है नेपाल। फिर अगला देखते हैं, व्हाट इज स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड एज। तो इसे एंथोलॉजी बोलते हैं, फूलों के अध्ययनों को। फिर अगला है, हु इन्वेंटेड वायरलेस रिसीवर। तो इसके खोजकर्ता हैं अलेक्जेंडर पोपोव। फिर अगला है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर है कराची, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्रेंड्स सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है, ये होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, विच इज़ द नेशनल विंटर स्पोर्ट्स ऑफ कैनेडा। तो इसका आंसर है आइस हॉकी है, कैनेडा का राष्ट्रीय खेल। फिर अगला है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो जो भारत का संविधान है वो है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, ठीक है फ्रेंड्स, अत्यंत कठोर और लचीला होता है फ्रेंड्स ये। फिर अगला है, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं कैटोलॉजी, सेल्स के अध्ययन को। फिर अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश। तो इसका ऑथर है नारायणा। फिर फ्रेंड्स, अगला और लास्ट है, डॉक्टर
NTR विद्या सेवा स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे वे क्वेश्चन जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे कल के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, मैं उसके लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।